रीवा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 मई से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र दर्ज कराने के लिए ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय के वार्डों में शिविर लगाए जा रहे हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने हनुमाना नगर परिषद ग्राम पंचायत खटखरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे जनसेवा अभियान का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक आवेदन की पात्रता की जानकारी लेकर उसके अनुसार विभागीय योजनाओं के आवेदन पत्र भरवाएं। किसी भी अपात्र व्यक्ति के आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज न करें। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान ने हितग्राहियों को विकास योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ उनकी समस्याओं का निराकरण भी करने की बात कही। राजस्व अधिकारी जनसेवा अभियान में आम रास्ते में अतिक्रमण सीमांकन तथा अवैध कब्जा जैसे समस्याओं का निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों के सचिव सम्मिलित हुए हैं और ब्लॉक लेवल की जो टीम है जिसमें जनपद की टीम है और पीएचई की टीम शामिल हुई है। बेसिकली गर्मी का समय चल रहा है और गर्मी के समय में जो वाटर सप्लाई है सभी जगह, चाहे वो किसी भी मोड से होती है, कुछ जगह हैंडपम्प से पानी जाता है, कुछ जगह अपनी नल जल योजनाएँ शुरू हो गई हैं, कुछ जगह पार्शली शुरू हुई हैं, तो वो भले प्रकार से सभी जगह पानी पहुँचे। जो मजरे टोले अपने छूटे हुए हैं उनकी क्या तैयारी रहेगी, इसका एक रिव्यू किया गया है। इसके अलावा पंचायत के और भी एजेंडाज थे जिनको जिला पंचायत सीईओ ने रिव्यू किया है। तो उद्देश्य ये है कि ब्लॉक स्तर से ये जो इश्यूज फ्लैग करने थे वाटर सप्लाई के, वो यहाँ फ्लैग किए गए हैं। जनसेवा अभियान का जो काम है वो भली प्रकार से सभी पंचायतों में हो, इसकी तैयारी की एक रिव्यू किया गया। मुख्यमंत्री जो द्वितीय चरण है उसके दो मुख्य कॉम्पोनेंट हैं। नंबर एक, अपने यहाँ विभिन्न विभागों की लगभग 67 सेवाएं चिन्हित की गई हैं और इन 67 सेवाओं के जो भी अपने आवेदन हैं या जो समय अवधि है उसमें जो आवेदन प्राप्त होने हैं 10 मई से 31 मई के बीच के, इनके निराकरण होना। इसमें हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए गए हैं, हर एक नगरीय पंचायतों या नगर निगमों के वार्ड स्तर तक कैंप लगाए गए हैं। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है कि अपने यहाँ की जितनी भी सीएम हेल्पलाइन है उनके निराकरण इस समय अवधि में हो जाएं। उद्देश्य ये है कि जितने भी ऐसे लंबित आवेदन हैं वो इस समय अवधि में निपट जाएं, लोगों को सहूलियत मिले और जो उनकी पात्रताएं हैं जिस स्तर की उनको सेवाएं मिलनी चाहिए वो सेवाएं समय सीमा में मिले।